हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास फीफा 23 में ये एरर आ रहा है, वी आर सॉरी बट देर हैज़ बीन एन एरर कनेक्टिंग टू फीफा 23, तो गाइस इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। और इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं 4 से 5 मेथड बताने वाला हूं, जिसमें से आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। स्टेप नंबर 1, आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहां पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर, इसको आपको राइट क्लिक करना है सेलेक्ट कर, फिर आपको यहाँ पर रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर रीस्टार्ट हो गया है। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर 2, आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। ओके गाइस, उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है, फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको ऑल सेटिंग को क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर 3, आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कमेंट प्रॉम्प्ट, इसको राइट क्लिक कर आपको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर इस तरीके से टाइप कर देना है। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर एक और कमेंट टाइप करना है, इस तरीके से आपको टाइप कर यहां पर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर 4, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहां पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर चेक करना है आपके पास विंडोज़ जो है अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास यहां पर कोई भी विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप जो है उसको कम्प्लीट कीजिए। उसके बाद अब मैं यहां पर इस सेटिंग को क्लोज कर लेता हूं। स्टेप नंबर 5, आपको फिर से विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस नेटवर्क सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क रीसेट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो है विंडोज़ में सारे नेटवर्क रीसेट हो जाएंगे, फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।